क्लेश का देखा जाए तो भगवान कृष्ण भी उनको पूरा पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके सपने में आ रहे हैं। मैं 1992 में इंटर में पढ़ता था और जिस समय भगवान अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, वहाँ इन्हीं के पिताश्री ने सीधे सीधे गोलियां चलवाई थी और हत्याएं करवाई थी। आज भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। बिजली की बात करें तो वो तो अखिलेश सरकार भी कह रही है कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अब कहने को क्या, जब अखिलेश सरकार 3 घंटा बिजली आ गई, किसान जंगल में सो रहे हो, पूरी पूरी रात ठंड में रहो। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी राज गुंडा राज और चिलम जी भी है। अखिलेश की बात को क्यों मानेगी जनता, जो अखिलेश कहेगा वो क्या सही कहेंगे? वो अखिलेश क्या है, अखिलेश की सरकार में गुंडा राज था तो अखिलेश तो गुंडा राज ही लाएंगे। अखिलेश ने अपने पिताजी को राष्ट्रीय पद से हटा के, जो राष्ट्रीय उसके अध्यक्ष थे, वो पद छीन लिया तो वो और लोगों से क्या क्या छीनेंगे। केवल उनके राज्य में भैंस चोरी होती थी, गाय चोरी होती थी, ये होता था उनके राज्य में। जब से मोदी जी सरकार आई एकदम बदमाशी खत्म हो गई, चोरी खत्म हो गई और जो आदमी निरंतर पैरे लगे गांव कस्बे में वो पैरे खत्म हो गए। आप अगर किसी लड़की या महिलाओं को इंटरव्यू लें तो बेटियां हमेशा सीधे सीधे यही बोलेंगे हमें योगी जी की सरकार चाहिए। आज वो शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, अपना बिजनेस करना चाहती है बिजनेस कर सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, कहीं भी रात में दिन में आ जा सकती हैं। बदतमीजी हकीकत में है कि अब ख़त्म है। जब से योगी जी आए मोदी जी आए बिजली सही आई, खाद टाइम पे मिला, बीज टाइम पे मिला। नमस्कार, खबर इंडिया में आपका स्वागत है और खबर इंडिया की चुनावी डंका जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम मौजूद हैं सिकंदराबाद में विधानसभा में, जहां पे वैसे तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन दो बार से भाजपा की तरफ से जो है विधायक रही हैं। तो यहां के मौजूदा लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनावी डंका यहां पे किसकी बजने वाली है। तो इस बार किसको वोट करने वाले हैं? हम भाजपा को, जब से योगी जी आए मोदी जी आए बिजली सही आई, खाद टाइम पे मिला, बीज टाइम पे मिला और जो गेहूँ का रेट है धान का रेट वो भी ठीक मिला और हमें और चाहिए क्या राशन लोगों को मिल रहा है वो भी ठीक टाइम समय पे मिल रहा है। तो अगर बिजली की बात करें तो वो तो अखिलेश सरकार भी कह रही है कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। बस अगले उत्तर प्रदेश की सरकार, कोई भी सरकार बिजली फ्री करी तो बिजली जो सरकार कहाँ जाएगी, गड्ढे में जाएगी। या तो ऐसा काम होना चाहिए कि जाता हो भाई, सरकार भी बढ़िया रहे और किसान भी बढ़िया रहे। तुमने आधा कर दिया, आधा बिल माफ कर दिया। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार में ज्यादा विकास हुआ है? देखो जी, जब से मोदी जी सरकार आई एकदम बदमाशी खत्म हो गई, चोरी खत्म हो गई और चोरी खत्म हो गई बिजली, और जो आदमी निरंतर पैरे लगे गांव कस्बे में वो पैरे खत्म हो गए और जो प्रजा को चाहिए क्या। लेकिन अखिलेश सरकार तो कहती है ये गुंडा राज है, गुंडा राज की सरकार है। तो कहेगी ये जो विपक्ष है, विपक्ष ये ना कहेगी तो वोट कैसे लेगी विपक्ष? भाई एक तू एक पार्टी को बदनाम करना तो बदनाम तो करने की पार्टी को, दूसरी विपक्ष को बदनाम करना है भाई, दूसरी पार्टी को बदनाम करना तभी तो बताएगी। और जो वोटिंग कराएगा, जिसे लाभ मिले वो तो वोटिंग उसी का कराएगा। जैसा कि अभी जेवर एयरपोर्ट बना है तो अखिलेश सरकार का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट का जो है वो उसका प्रोजेक्ट था जिसपे बीजेपी ने अपना सिर्फ नाम दिया है। देखो ये तो कोई भी सरकार पास कर जाओ, जिसकी कोई प्रोजेक्ट पास करता है, जो सरकार में आता है वही अपना नाम बनाता है, वही करता है काम, कोई भी सही। अब मायावती पहले जो ताज हाईवे को पास कर गई और अखिलेश सरकार आई और उन्होंने फीता काट दिया आके, तो ये मिलाम से बना दिया भाई, जिसने बनाया नाम तो उसी को रहेगा मायावती का। तो जैसे सरकार है, अब आज की सरकार है, पैसा लगा रही है, एयरपोर्ट बनवा रही है, तो नाम तो इसी को रहेगा भाजपा को ही। तो मंत्री है, अभी 2 साल और रंग है, 2 साल में फाइनल है बिल्कुल। अब जो है अखिलेश सरकार का तो 4 सीटों पे पूरा दावा है कि वो 4 सीटों पे इस बार जीत के रहेगी। देखो जी ऐसा है, एक आध सीट इनके निकल जाए तो ना कह सकते, सुनिए जी। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि सगरी सीट में दावा हमारा, तो सगरी सीट भाजपा जीतेगी। योगी सरकार ज़्यादा विकास किया है, योगी जी ने और उनके पार्टी के देखते दूना विकास किया है, इसलिए सरकार दो डबल आनी चाहिए। ये पब्लिक की माँ कहन ये कहन है, बस जो भी कोई भी सरकार विकास ज़्यादा करेगी, फायदा किसान को देगी, मजदूर को देगी, वो उसी की वोटिंग करेगा। अब कहने को क्या, जब अखिलेश सरकार 3 घंटा बिजली आ गई, किसान जंगल में सो रहे हो, पूरी पूरी रात ठंड में रहो, बिल के पास अब मान के चलोगे, अब आज नौकर हैं विपक्ष चले गए कि हम पूरा बिल माफ करेंगे, बाद में कहा वादने भी तो है अखिलेश सरकार जो 3-3, 4-4 घंटा बिजली दे रही किसान तबाह सालों। जैसा कि सपा सरकार अब गठबंधन भी कर रही है, जयंत चौधरी भी साथ हैं, शिवपाल यादव भी उनके साथ है, आशीर्वाद भी उनका शिवपाल का जो है अखिलेश यादव पर पूरा पूरा है। तो
तो क्या लगता है शिवपाल की जो आशीर्वाद है वो अखिलेश पे काम करेंगे क्या? वो तो उनकी हार चमक रही है इसलिए गठबंधन कर रहे हैं सब वो, पर उनको तो अपनी जीत चमक रही है तो वो अपने अपने तो प्रजा करेगी फाइनल, वो तो ये तो वोटिंग जो है जो प्रजा है राज है वो करेगी क्या फाइनल है, नेता तो अपना अपने पास कुछ भी कर ले भाई, 5-6 पार्टी इकट्ठी हो रही है वो क्यों हो रही है, उन लोगों की कमजोरी दिख रही है भाजपा तक समर्थन आगे लड़ रही है। अखिलेश सरकार ये भी कह रही है कि इस बार जो है झूठे लोगों का सफाया करेगी अखिलेश सरकार, जो है जनता इस बार झूठे सरकार की सफाया कर देगी यूपी से। कोई वादा झूठा ना किया, जो वादे भाजपा ने किए वो पूरे किए, अखिलेश आधे भी जो वादे किए पूरे ना करे, पहले जो एजेंडा दिया उन्होंने अखिलेश सरकार ने आधे पूरे ना करे, और जो योगी जी ने हर जो किया है वो ही पूरा किया है। देखो जो वोट मतलब कही कि मैं भत्ता दूंगा पढ़ाई पर लिख के उनको, आज 1000 महीना के भी आ रहे हैं, 500 महीना के भी आ रहे हैं, जो बनवाए 2000 बोर्ड किसान के लिए भी आ रहे हैं, कि हर 3 महीना में राशन कार्ड भी दे रही है सब, जो फ्री दे रही है, तेल भी दे रही है, नमक भी दे रही है, और जो चना भी दे रही है सरकार। सुनिए जी, ऐसा सरकार किसने दिया आज तक भी? अंकल आपका क्या कहना है, इस बार किसकी सरकार आने वाली है? नहीं, सरकार तो है ही, आने वाली क्या है, हमारी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की रहेगी। क्यों, अखिलेश ने कुछ अच्छा काम नहीं किया क्या? नहीं, अखिलेश की तुलना बीजेपी से कैसे कर सकते हो आप? अखिलेश तो अपने आप में, अखिलेश का कहना है कि वो बीजेपी से कहीं ज्यादा अच्छे नेता रहे हैं और बीजेपी से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया है उन्होंने। अरे अखिलेश जी, इसकी बात जहाँ के तक आप कर रहे हो तो मुझे एक बात बताइए, अखिलेश ने अपने पिताजी को राष्ट्रीय पद से हटा के जो राष्ट्रीय उसके अध्यक्ष थे वो पद छीन लिया, तो वो और लोगों से जन क्या क्या छीनेंगे? अगर बीजेपी की सरकार में हमारे योगी जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो किसी को परेशानी नहीं है, राहजनी खत्म हो गई, लड़कियों के साथ बदतमीजी होती थी वो सब खत्म हो गई, विकास हो रहा है, जेवर एयरपोर्ट बनना है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनना है, विश्व का 4th नंबर का एयरपोर्ट बनना है, हमारे यहाँ विकास की एकदम से जैसे ही यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा पूरी तरह से विकास की लहर दौड़ जाएगी। हम अखिलेश जी को या किसी और को कैसे जाने, जब हमें यहाँ एयरपोर्ट दिया, सारे साधन मिल रहे हैं, सारा काम हो रहा है, तो और से अच्छा और क्या चाहिए बताइए आप। तक पे एक अपना इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहु बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा अपमान होता है योगी की सरकार में, बहु बेटियों के साथ उनकी बेइज्जती की जाती है योगी की सरकार में, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि बहु बेटियों को की बेइज्जती की जाती है योगी सरकार में, या फिर सुरक्षित हैं बेटियां? आप कभी किसी लड़कियों का कॉलेज में एक इंटरव्यू लिया आपने? आप अगर किसी लड़की या महिलाओं का इंटरव्यू लें तो बेटियां हमेशा सीधे सीधे यही बोलेंगे हमें योगी जी की सरकार चाहिए। आज वो शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, अपना बिजनेस करना चाहती है बिजनेस कर सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, कहीं भी रात में दिन में आ जा सकती हैं, बदतमीजी हकीकत में है कि अब ख़त्म है। अखिलेश जी कह रहे हैं वो तो चुनावों से पहले स्टेटमेंट दिए थे, हर नेता देता है, अब से पहले गठबंधन नहीं बना था, मायावती का भी बना था उनसे तो, और मायावती को तो उनके पापा जी ने गैस कांड में मरवा देते उन्हें। इस बार तो शिवपाल ने आशीर्वाद दिया है पूरा अखिलेश को कि इस बार वो चुनाव जीत के ही वापस आएंगे। क्यों, शिवपाल जी कोई अंतर्यामी भगवान है? भगवान भी तो आ रहे हैं ना उनके सपने में। एक आदमी के आशीर्वाद देने से क्या हो रहा है, पूरे देश की 30 करोड़ जनता योगी जी को आशीर्वाद दे रही है। उनके अखिलेश का देखा जाए तो भगवान कृष्ण भी उनको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके सपने में आ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ मैडम, एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं 1992 में इंटर में पढ़ता था, और जिस समय भगवान अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, वहाँ इन्हीं के पिताश्री ने सीधे गोलियाँ चलवाई थी और हत्याएं करवाई थी। आज भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। मैं उस समय इंटर में पढ़ता था और मेरठ खेलने जा रहा था, हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे और हत्याएं हुई थी हमारे सब भाई बंधुओं की, और आज तुम्हें कृष्ण जी याद आ रहे हैं। भाई तुम भगवान राम का कोई मंदिर बनाने के लिए कहता तो तुम वहाँ कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता, धारा 370 हटाने के लिए कहते तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ऐसा हो रहा है, सब देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी देख रही है, और ये योगी और मोदी संत हैं, ये मानव जाति के लिए भगवान समाज के लिए जो कुछ करके जा रहे हैं, ये हमेशा युग श्री राम, ये श्री राम, ये युग पुरुष हैं, युग पुरुष, आने वाला बच्चा जन जन बच्चा इनको याद करेगा। आप मुझे एक बताइए, इनके ऊपर सांप्रदायिक आरोप लगा दिए जाते हैं कि साहब उनको कर रहे हैं। हम अपने ककोड़ कस्बे का अगर रिकॉर्ड बना के दूं ना, 750 मकान जो मोदी मतलब आवास विकास योजना से आए, एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसने फार्म भरा हो ना आया हो, उन्होंने ना जाति देखी ना धर्म देखा ना मजहब देखा। सबसे ज्यादा मकान मुस्लिमों के बने। ये किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना ये बिल्कुल गलत बात है।
अभी जैसा कि पीयूष जैन के घर से करोड़ों रुपए निकले इत्र कारोबारी में, तो अब अखिलेश ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का ही आदमी था। मैडम आप एक बात बताओ, आप तो विद्वान आदमी हो, बुद्धिजीवी आदमी हो, अगर सरकार टैक्स नहीं लेगी आप इतने पैसे को क्यों धरे बैठे हो भैया घर में? अरे आप ये कह दो हमारा चलो ये राउंड फिगर का पैसा है, अरे आप बैंक में जमा करो भाई, उस पर जो टैक्स बनेगा, जो टैक्स बनेगा उससे देश का भला होगा। मोदी जी तो एक रुपया लेते नहीं, योगी जी एक रुपया लेते नहीं, फिर जब जनता की भलाई के लिए पैसा तो बांट पाओ ना उसको। तो क्या लगता है समाजवादी परफ्यूम कहां तक महक गई कि छापा पड़ गया? नहीं एक बात मुझे एक बताओ, चोरी का पैसा, चोरी का पैसा या चोरी का कोई भी सामान, आप सीधी सी बात अगर गलत काम करोगे तो भाई फंसोगे तो है ही है, ये तो मोटी सी बात है, गलत काम क्यों करते हो आप? तो इस बार यूपी में किसका डंका बजने वाला है? यूपी में तो डंका 2017 से ही बज रहा है, यूपी में डंका तो 2017 से ही बज रहा है। और अब तो हर आदमी देखो, अब से पहले जब योगी जी आए थे तो लोगों को ऐसा विश्वास नहीं था कि भाई बाबा हैं और ये वहाँ अपना पूजा पाठ करते हैं इन्हें, लेकिन जब जब संतों का तो ये वो रहा है कि जब जब आस्था पर आँच आई तो इन्होंने पूजा पद्धति से पूरे समाज का मार्गदर्शन किया, लेकिन जब भी कोई गड़बड़ हुई तो फिर इनके हाथ में चिमटा वो भी रहते हैं, कमंडल वो ठुकाई भी और ढंग से करते हैं। आपका क्या नाम है? पंकज शर्मा। तो क्या लगता है भाजपा को कैसे देखते हैं आप, भाजपा कैसा काम कर रही है, क्या क्या मुद्दे होंगे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे इस बार? चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है, जो हमने पहले 2017 में जो वादे किए थे वो हमने पूरे करे हैं, पूरा सड़कों का जाल बिछाया, राशन मुफ्त दे रहे हैं हम गरीबों के हर घर तक, अंत्योदय तक जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनका जो सपना था उसको हम पूरा करने का कार्य कर रहे हैं कि हर घर को, जो 18,500 ऐसे जो गांव थे जिनमें लाइट नहीं आज तक दी, वो बिजली नहीं जानते थे वो क्या होती है, उनके घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया है तो माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। अखिलेश को तो हर जगह हर गांव में गड्ढे दिखते हैं रोडों में, उनके घर में जो आजकल भाई भतीजावाद जो चल रहा है वो अपने गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं, उनको तो रोड पे गड्ढे ही दिखाई देंगे, आपको भी दिखाई दे रहे हैं, आप बुलंद शहर जहाँ से आई हो कहीं पेट का पानी भी नहीं हला होगा, है ना। ये इतनी अच्छे सुंदर हाईवे बने हैं, ये NH पास हो गए हैं, अब एशिया का एयरपोर्ट बन रहा है, ये सबसे बड़ा और क्या चाहिए। इतना लगता है शिवपाल यादव जो है इस बार सफल करेंगे अखिलेश को या फिर विफल ही कर देंगे? शिवपाल यादव ने पिछली बार भी विफल किया, अब की बार भी विफल ही है वो। अच्छा। भाई भतीजावाद को ये भारतीय जनता पार्टी पनपने नहीं देगी। क्या ये गठबंधन किसी काम का है कि नहीं है? आज से पहले हुआ था कभी काम का? पर इस बार जो जनता के काम का है वही राम के काम का है, और वही सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम सुभाष। कैसा लगता है मतलब योगी ने जो भी काम किया है, अब अखिलेश की बात करें तो अखिलेश के हिसाब से योगी गुंडा राज है, चिलम जीवी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? चिलम जीवी किसने बोल दिया? अखिलेश यादव का कहना है कि योगी राज गुंडा राज और चिलम जीवी है। अखिलेश की बात को क्यों मानेगी जनता, जो अखिलेश कहेगा वो क्या सही कहेंगे वो? अखिलेश क्या है, अखिलेश की सरकार में गुंडा राज था तो अखिलेश तो गुंडा राज ही लाएंगे। मोदी जी का, योगी जी का सबको विकास दिख रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है, और अब तो जो सरकार अब किसी मुद्दे पर नहीं आएगी, अब तो हम करके दिखाएंगे, अब तक तो मुद्दा था अब मुद्दा ही नहीं है इसमें, अब तो करके दिखाएंगे, जो विकास किया है उस पर हम वोट मांग रहे हैं, सत्ता मांगेंगे। पर अखिलेश यादव का तो दावा है इस बार 400 सीटों पे वो आने वाले हैं। नहीं वो ये कहे कि मैं 400 ना 1000 लेके आऊँगा तो उसका तो कोई इलाज है नहीं हमारे पास, 400 कहाँ से लाएंगे, पहले तो लेके नहीं आए वो, मायावती के साथ वो बहन जी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा पर, क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। उनके कार्यकाल में आप खुद सब लोग जानते हैं बिजली कहाँ कहाँ आती थी, केवल 3 जगह जहाँ जहाँ उनके अपने नेता थे सैफई में आती थी, 2 और जगह थी, या फिर जहाँ से लड़ती हैं वो सोनिया जी, उसके अलावा कहीं उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं थी। अब अखिलेश जी कहते हैं कि हम बिजली फ्री दे देंगे, बिजली लाएंगे कहाँ से? 300 यूनिट का तो दावा किया है, 300 यूनिट ही वो फ्री देंगे। पहले क्यों नहीं दी, पहले कहाँ चले गए थे, यही तो थे ना, पहले भी यही थे, इनके पास बिजली है ही नहीं, देंगे कहाँ से, कहाँ से देंगे बताओ आप। वो तो उनका तो कहना है कि मेरे ही जो है मेरे सरकार में ज्यादा विकास हुआ है, तो वो गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, 100% गलत कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, केवल उनके राज्य में भैंस चोरी होती थी, गाय चोरी होती थी, ये होता था उनके राज्य में,
पर गुंडा राज तो ये मोदी राज और योगी राज को वो डबल इंजन की सरकार बताते हैं और कहते हैं 2022 में पूरी तरीके से फेल है। वो गलत कह रहे हैं, अब उसका तो कोई इलाज है नहीं, वो कहते रहे। अब कोई आदमी नशा कर ले और नशा में तो इधर उधर की बात ही कहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो जैसा कि अखिलेश यादव ये भी बोल रहे हैं कि इस बार जनता जो है योगी का जो झूठ का चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है, तो इस बार सुपड़ा साफ करेगी जनता योगी का। समझ नहीं आ रही बात, आप जान पूछ के, जब झूठ है ही नहीं। हाँ। अखिलेश की बार बार आप बात कर रही हैं, अखिलेश की बात करना बनता भी है क्योंकि वो बोल रहे हैं तो उनकी बात करना बनता भी है। तो वो झूठ बोल रहे हैं, उनका कुछ है ही नहीं। बुलंदशहर की पहले 7 विधानसभा भाजपा के पास थी, फिर 7ों की 7 आ रही हैं, एक भी नहीं ले रहे वो।